ये जो पैक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये घर में बनाया गया है और ये जस्ट फेस पैक नहीं है, ये पूरे बॉडी में आप लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो बात है वो है, आप अगर सोप यूज़ करना नहीं चाहते हो या लिक्विड सोप कोई भी हो आप बॉडी पर यूज़ करना नहीं चाहते हो क्योंकि इसमें हार्श केमिकल है रहते हैं, तो आप इसको सोप के ऑल्टरनेट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं वो है बेसन लगते हैं, आप क्वान्टिटी ले लीजिए आपके नेसेसरी के अनुसार। उसके साथ में ऐड किया लेमन, देखो लेमन के जूस जो है ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और मैं इतना ही जो मेरे हाथों में देख रहे हो लेमन जितना टुकड़ा है ना इतना ही आपको लेना है, ज़्यादा नहीं है लेना है तो इतना सा ही आप लेना है। क्योंकि जो जब मैं इसमें लेमन का जूस डाली थी उस टाइम मेरे जो वीडियो है वो शूट नहीं हुआ था ठीक से, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। और उसके बाद आपको क्या लेना है, कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो आप, जो भी आपको पसंद है। तो जो प्योर कोकोनट ऑयल आते हैं स्मेल वाली नहीं है फ्रेंड्स, स्मेल के अलावा जो आते हैं ना प्योर वाली कोकोनट ऑयल आपको वो लेना है। तो आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल। तो ये जो फ्रेंड्स कोकोनट ऑयल है ना ये अच्छे मात्रा में आपको लेना है क्योंकि यही तो असली इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। जो भी ऑयल आप लो, आप यहाँ पर आलमंड ऑयल भी ले सकते हो बट कोकोनट ऑयल सबके लिए सूटेबल है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल क्या करते हैं, डीप क्लीन करने में मदद करते हैं, टैन आ जाते हैं तो टैन को क्योर करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो खिंचाव सा महसूस होगा क्योंकि विंटर सीजन आ रहे हैं, इसलिए अभी से स्किन पर जो नमी बनाए रखना ज़रूरी है, यानी कि जो मॉइस्चर का जो बैलेंस सही रखना ज़रूरी है उसको बरकरार रखने में मदद मिलेगा। और यहाँ पर जो बेसन है, बेसन क्या करते हैं डीप क्लीन करने में आपको मदद करते हैं, आपका जो पोर्स है ब्लॉक हो गया है डर्ट आ गया है उसको डीप क्लीन करेगा और उसके साथ साथ ऑयल का बैलेंस भी सही रखेगा। और यहाँ पर मैं लिया लेमन, लेमन जो है थोड़ा सा ये नेचुरल ब्लीच की काम करते हैं, यानी कि आपके स्किन में ग्लो ला कर देगा। हाँ फ्रेंड्स, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, यानी कि लेमन को स्किप कर सकते हो। तो इस तरह आपको अच्छे से मिक्स करने लेना है, यहाँ पर कोई लंप नहीं छोड़ना है। तो देखो कितना अच्छे से मिक्स्ड हो गया है। और ये जो मिक्सचर है ना ये आप 2-3 दिन ऐसे बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके काम है बाहर जाते हो इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इसको बनाकर भी रख सकते हो और सोप के बजाय आप इसको यूज़ करो। और ये जो पैक है ये मेल और फीमेल सबके लिए सूटेबल है। आप नहाने के टाइम आप बाथरूम में लेकर जाओ और सोप के बजाय इसको यूज़ करो, पूरे फुल बॉडी में आप इसको यूज़ करो। और हाँ, मैं यहाँ पर फेस पर भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फेस पर भी ये सूटेबल है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अप्लाई किया कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल से कोई इचिंग नहीं होता है क्योंकि कभी कभी आप मस्टर्ड ऑयल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बट मस्टर्ड ऑयल जो है ना फ्रेंड्स वो फेस पर लगाने से ना थोड़ा सा जलन होता है। वॉश करने के बाद जो फेस है फ्रेंड्स बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मेरे फेस में, आप देख सकते हो वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा स्किन, इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा, आप एक बार यूज़ करके देखो। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यहाँ पर जो यूज़ किया गया है लेमन, तो लेमन जूस जो है, अगर लेमन जूस से आपको जो इचिंग प्रॉब्लम होते हैं किसी को, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लेमन सूट नहीं करते हैं, इचिंग प्रॉब्लम होते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन को स्किप कर सकते हो और लेमन के जगह आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो टर्मरिक, चुटकी भर टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक ज़्यादा नहीं लिया जाते। टर्मरिक ज़्यादा होने पर आप जब बाहर जाओगे ना उससे टैन, उल्टा टैन आ जाते हैं स्किन में, तो टर्मरिक जो है हल्दी इतना सा थोड़ा सा ही काफ़ी है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बगैर जो यहाँ पर है बेसन है, कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल हार्ड स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेटर है, ये डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हो जो कोकोनट ऑयल है, तो ये क्या करते हैं स्किन में जो डार्टनेस है ये खींच कर निकल कर बाहर कर देते हैं, स्किन में जो
कभी कभी छोटा छोटा रैसेस आते हैं ना, ये भी क्योर कर देते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा लिपस्टिक लगा कर आती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक के बिना तो कुछ अधूरा सा लगता है देखने में, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो रुको, मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा कर आ जाती हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं यूज किया, थोड़ा सा यूज किया, आप देख सकते हो लाइट। और अब देख सकते हो ये जो है स्विस ब्यूटी की पैलेट है, यहाँ पर इतने सारे कलर से, इतने सारे कलर से, और मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, आप इसको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पैलेट है मैं मिक्स मैच करके लगाती हूँ और नए नए कलर भी उभर कर आते हैं। जो कलर आप यहाँ पर देख रहे हो इससे भी ज़्यादा कितने सारे सेट्स निकल कर बाहर आते जब मैं मिक्स मैच करती हूँ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये मैट फिनिशिंग में है, वाटरप्रूफ है, अच्छा लगता है। मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको ट्राई करो, क्योंकि ये अच्छे प्रोडक्ट है। स्विस ब्यूटी ऑल अबाउट लिप्स, स्विस ब्यूटी ऑल अबाउट लिप्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम श्रोशी, वॉचिंग माई चैनल श्रोशी टिप्स। फ्रेंड्स एक्चुअली मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ मेरे चैनल में मैं बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज भी डालती हूँ, तो सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज ज्यादातर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, और कुछ जो घरेलू चीज है, घरेलू इन्ग्रीडियंट से बनाया जाते हैं केयर करने के लिए स्किन को और हेयर को। तो फ्रेंड्स इसलिए भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, सो सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो पैक है ये हाथों पे लगाने के लिए, बॉडी पर लगाने के लिए और फेस पर अप्लाई करने के लिए भी सूटेबल है। फेस पर लगाने के लिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से स्किन में फेस पर लगाओ तो कोई जलन नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहते हो तो भी आप यूज कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, स्किन में टैन को रिमूव करने में काम आते, बट मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो अगर आप फेस पर अप्लाई करोगे ना तो ये चीक पर ना एक जलन सा होता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल फेस पर मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। और कोकोनट ऑयल जो है हर किसी, अगर आपकी स्किन को ऑयली ड्राई एंड नॉर्मल स्किन जो टाइप हो, और उसके साथ साथ सेंसिटिव जो भी हो, कोकोनट ऑयल सबके साथ सूटेबल है। बेबी को भी, अगर आपके बेबी छोटे हैं ना, या 2-3 साल या 4-5 साल इस टाइप की हुए ना, तो भी आप उसको भी आप ये जो प्रोडक्ट है ये साबुन के ऑपोजिट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। इससे जो स्किन है आप धीरे धीरे आपको नजर आएगा कि कितना कोमल हो रहा है। जो ऑयल का जो बैलेंस होता है वो भी सही रखने में मदद करते हैं, उसके साथ साथ टैन रिमूव करते हैं और सॉफ्टनेस तो बरकरार रहते हैं, ग्लो भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और जरूर सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस पाने के लिए, और यहाँ जो डेकोरेशन में जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का भी हर एक अपडेट में आप सबसे शेयर करूंगी, इंटीरियर डेकोरेशन एंड एक्सटीरियर डेकोरेशन के ऊपर। सो सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।